Hello and welcome to our YouTube channel Rubel Solutions. In this program, we will calculate the power using the POW function. Friends and students, देखो अभी तक हम हैश इंक्लूड शेड्यू डॉट एच कॉल करते थे, लेकिन जब भी हमको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब पहले से जो फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल करना है तो हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, math.h, ठीक है। उसके बाद काम करते हैं इंट मेन से और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और करते हैं डबल बेस एक्सपोनेंट रिजल्ट। तीन वेरिएबल लिए हैं, बेस एक्सपोनेंट और रिजल्ट, डबल टाइप के। अब हमने प्रिंट एफ किया है, एंटर अ बेस नंबर, और यूजर से किस में ले लिया, बेस में। प्रिंट एफ किया, एंटर एन एक्सपोनेंट, किस में ले लिया, एक्सपोनेंट। उसके बाद पावर कैलकुलेट करी तो रिजल्ट में पावर जाएगा, और मैंने पहले भी बताया था वीडियो में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेरिएबल उसमें वैल्यू जाती है। बस ये सबसे आसान तरीका है, तब आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मैम वैल्यू किस में जाएगी किस में नहीं जाएगी, बस जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है उसमें वैल्यू जाएगी। तो जिस वेरिएबल में आपको आउटपुट दिखाना है उस वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए, और जिस वेरिएबल से आपको वैल्यू सेंड करनी है उसको राइट हैंड साइड पर रखिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर, और POW क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो किस में है, मैथ डॉट एच में, और बेस कॉमा एक्सपोनेंट, बस फिर ऐसे रिजल्ट में ही आ जाता है। इसमें देखा आपने कोई लूप नहीं लगाई, कोई कुछ की जरूरत नहीं है, सीधा एक फंक्शन कॉल किया POW। फिर उसके बाद अब हमें प्रिंट करवाना है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने डबल यूज़ किया है तो हम कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, हम देखो बेस को शो करने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को यूज़ करने के लिए ये फॉर्मेट, और ये वाला साइन अगर हम डालते हैं तो एज इट इज़ आ जाएगा, और रिजल्ट को करने के लिए हमने कह दिया 0.2LF। 0.2 का मतलब क्या है, 0.1 का मतलब है 1 तक दिखाओ, 0.2 का मतलब है 2 तक दिखाओ रिजल्ट। चलो अब देखें चला के, ये देखो 2 और 2 तो आंसर आएगा 4, तो उसने क्या किया 2.0 और 4, ठीक है, समझ आया, क्योंकि हमने डबल लिया है। अगर हम यहाँ पे इंट लेते तो हम परसेंटेज जी से भी काम कर सकते थे। अब मैं आपको फटाफट इंट से करके दिखा देती हूँ। इंट से देखो क्या हुआ, एक तो इंट लिया और ये जो है ये अपन को चेंज करने पड़ेंगे, क्या चेंज करने पड़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। देखा आपने कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स चेंज करते ही हमारा काम हो जाएगा। देखो 2 2 सीधा आ गया, ठीक है। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। लव लव, हैव अ नाइस डे।